आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम चतुर्भुज की रचना से जुड़ी मिथ्या धारणा देखेंगे। मिथ्या धारणा। अध्यापिका कक्षा में ये प्रश्न पूछती है, एक अद्वितीय समांतर चतुर्भुज की रचना के लिए न्यूनतम कितने मापों का मान चाहिए होता है? चारू, मीरा और सोनिया के उत्तर कुछ इस प्रकार हैं। चारू का उत्तर है 5, मीरा का उत्तर है 2, सोनिया का उत्तर है 3। क्या आप बता सकते हैं कि किसका उत्तर सही है और क्यों? तो आइए देखते हैं, चारू ने विकल्प 1 का चयन क्यों किया होगा। जैसा कि हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं कि किसी भी चतुर्भुज की रचना के लिए 5 मापों का मान चाहिए होता है, जो कि कुछ इस प्रकार है, जब 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दिया हुआ हो, जब 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी हुई हो, जब 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण दिए हुए हों, जब 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोण दिए हुए हों। इसलिए चारू ने विकल्प 1 का चयन किया, जो कि गलत उत्तर है। मीरा सोचती है कि विकल्प 2 सही उत्तर है। क्या आप बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों सोचती है? बिल्कुल सही, मीरा जानती है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं और कोणों का माप बराबर होता है, और वो ये सोचती है कि इस प्रकार यदि 2 भुजाओं का माप ज्ञात हो तो एक समांतर चतुर्भुज की रचना संभव है। मान लीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं ए बी और बी डी का माप 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जी हां, इस स्थिति में समांतर चतुर्भुज तो बन जाएगा, परंतु क्या वो अद्वितीय होगा? आइए इस पर चर्चा करें। मान लीजिए कि हम समांतर चतुर्भुज ए बी डी सी का निर्माण कुछ इस प्रकार करते हैं। ए बी डी सी की आसन्न भुजाओं का माप 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इन मापों से हम एक आयत की रचना भी कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आसन्न भुजाओं के मापों से समांतर चतुर्भुज तो बन जाएगा, परंतु वो अद्वितीय नहीं होगा। अतः केवल आसन्न भुजाओं के मान से एक अद्वितीय समांतर चतुर्भुज का निर्माण नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि आसन्न भुजाओं के अतिरिक्त हमें कितने और मापों की जरूरत है? समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाओं का माप हमारे पास है, तो कितने कोणों के मानों से एक अद्वितीय समांतर चतुर्भुज बनेगा? जी हां, यदि हमें एक भी कोण का माप ज्ञात होगा तो सभी कोणों का माप पता लगाया जा सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के माप बराबर होते हैं और आसन्न कोण संपूरक होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर प्रश्न में आसन्न भुजाओं का माप 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और कोण बी का माप 70 डिग्री दे दिया जाए, इसकी मदद से हम समांतर चतुर्भुज के अन्य कोणों के माप कुछ इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। हमें कोण ए और कोण डी 110 डिग्री के बराबर प्राप्त होंगे और कोण सी 70 डिग्री के बराबर प्राप्त होगा। इस तरह हमने समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कर लिए और इन मानों को लेकर
एक अद्वितीय समांतर चतुर्भुज की रचना की जा सकती है। इस तरह हमें एक अद्वितीय समांतर चतुर्भुज की रचना के लिए केवल तीन मापों, दो आसन्न भुजाएं और एक कोण की जरूरत है। इसलिए सोनिया का उत्तर बिल्कुल सही है। आज हमने चतुर्भुज की रचना से जुड़ी मिथ्या धारणा देखी।